अल्लाह रहमान रहीम जी। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 हमने पहले डिस्कस किया था, आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस के बारे में पढ़ा, ब्रांचेस ऑफ साइंसेस को देखा, फिर हमने केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस किया, देन बेसिक डेफिनेशंस को देखा, उसमें हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इनकी बेसिक डेफिनेशंस को देख के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम इसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे और अपना प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसको हम डिस्कस करेंगे। आज आज की हमारी वीडियो के जो SLOs हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंसी, देन कंपाउंड, फिर मिक्सचर, उसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आज की वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम मास नंबर के साथ साथ रिलेटिव एटॉमिक मास को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या है? द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जो कम्बाइनिंग कैपेसिटी है कि वो किस तरीके से कम्बाइन होता है और एक वक्त में कितने एटम्स के साथ वो कम्बाइन हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाता है। इसकी डिपेंडेंस को देखते हैं, वैलेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बैरूनी शेल के अंदर जो वैलेंस शेल कहलाता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, इस पे डिपेंड करती है वैलेंसी। फॉर एग्जांपल HCl की एग्जांपल है आपके सामने, वाटर की एग्जांपल है, CH4 मिथेन है, इन सब में हाइड्रोजन एक वक्त में एक बॉन्ड शो कर रहा है, सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन एक वक्त में दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। देन मिथेन में देखें कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, so the valency of carbon is 4। नेक्स्ट ये आपके पास वैलेंसी चार्ट शो किया गया है, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी होगी 1, ये जो सेकंड ग्रुप है इनकी 2 होगी, ये थर्ड ग्रुप है इनकी 3 होगी। सो वी कैन से कि हमारे जो ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका ताल्लुक उनकी वैलेंसी से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल वैलेंसी, व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी एक से भी ज़्यादा होती है, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ये देखें, फेरिक सल्फेट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 है। ये जब हम इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे जो इनके रेडिकल्स के ऊपर जो चार्जेस होते हैं इनकी आयनिक फॉर्म के अंदर +1, +2, +3, तो उसको क्रॉस लिखते हैं कि जो आयरन का चार्ज था वो हमने इसके नीचे लिखा, सल्फेट पे -2 होता है, वो 2 हमने इधर रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आयरन अपनी वैलेंसी 3 शो कर रहा है। एंड फेरस सल्फेट की बात करें तो वहाँ पे Fe और SO4 दोनों की वैलेंसी बैलेंस्ड होती है, वो फार्मूले में, केमिकल फार्मूले में शो नहीं की गई, सो हम कह सकते हैं कि इसमें आयरन की वैलेंसी क्या है, 2। इट मींस कि एक ही एलिमेंट आयरन जो है वो 3 वैलेंसी भी शो कर रहा है, 2 भी, तो उसकी वैलेंसी वेरी कर रही है, वेरी। देन हम बात करेंगे कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके पास कंपाउंड हैं। इनकी क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट, ये आयनिक भी हो सकते हैं कोवलेंट भी। कंपाउंड्स जो हैं आयनिक कंपाउंड ये एग्जिस्ट नहीं करते इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि ये H2CO2 है, ये कोवलेंट कंपाउंड हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो आयनिक कंपाउंड हैं वो 3D क्रिस्टलिटिक्स, 3D स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है एक एग्जाम्पल देके आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं जी। दे ऑपोजिटली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, यहाँ पे ये आपके सामने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू शो किया गया है। ये जो ब्लू कलर की बॉल्स हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर 3D स्ट्रक्चर है, 3D ये ब्लू कलर की बॉल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं क्लोराइड आयन को, और ब्लैक कलर की जो बॉल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं सोडियम आयन को।
दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, KBr वगैरह। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, जिसमें fixed ratio कोई नहीं है, just आपने उसको physically mix किया है, वो mixture कहलाता है। इसकी example air, gas, gasoline वगैरह। अब इसकी types को देखते हैं, तो previous video में हमने ये discuss किया था, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, आज उसकी definition भी देखते हैं। Mixtures that have uniform composition throughout is known as homogeneous mixture। इसकी example air, gasoline, ice cream वगैरह। मिक्सचर दैट हैव नॉन यूनिफॉर्म कम्पोजिशन, जिसकी कम्पोजिशन थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें एग्जाम्पल में सॉइल है, रॉक है, वुड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिक डिफरेंस क्या है। कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड विद द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स वेरी फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज जो होती हैं कंपाउंड्स की, इनके अज्जा की निस्बत चेंज हो चुकी होती हैं। इनके एलिमेंट्स को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं। इनकी अपनी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकुलर कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये कांस्टेंट होते हैं हमेशा। मिक्सचर जो है इसके ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्ट शो करता है। ये जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स, आप फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज भी, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट भी होती हैं। इनके कंपोनेंट्स को फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं। ये होमोजीनियस भी हैं, हेट्रोजीनियस भी हैं। ये इनके जो है वो कोई अपनी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। बस एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। उस एलिमेंट को इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। मास नंबर की बात करते हैं, तो मास नंबर क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर। ये सम होता है एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन। इस स्लाइड के अंदर देखें, आपके पास एग्जांपल दी है। जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ये देखें, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा, न्यूट्रॉन कोई नहीं है। 1+0 एटॉमिक मास आपका क्या हो गया? 1। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की ये चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनके एटॉमिक नंबर को, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, और देन एटॉमिक मास। बस नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं किसी भी एटम का। कंपेयर किससे करना है? हम उसे कंपेयर करते हैं, C12 एक आइसोटोप होता है, उसके 12th पार्ट से, 12वें हिस्से से कंपेयर करके हम उसके एक छोटा सा यूनिट निकालते हैं, जिससे हम बाकियों को कंपेयर करके तमाम का एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। इसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसकी वैल्यू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, अगर kg में ले जाएंगे तो -27 होगी। इसमें मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया गया है। कंफ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।